गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पाचन तंत्र के अगले भाग के बारे में बात करेंगे जो कि है हमारा ग्रसिका। सबसे पहले देखो, आपको मैंने बताया था कि भोजन जो है हमारा मुख में जाता है, मुख के बाद अगला जो है हमारा ग्रसिका। ग्रसिका में भोजन प्रवेश करता है। ग्रसिका को हम भोजन नली भी कहते हैं, क्योंकि देखो इसकी संरचना कैसी है, एक नली के जैसी इसकी संरचना है जिसमें भोजन के कण नीचे की तरफ आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रसिका जो है हमारे गले से होते हुए वक्ष तक जाती है और एक पतली संकरी संरचना होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को अच्छी तरह चबाया जाए ताकि वो इसमें आसानी से जा सके। दूसरी बात और ये है कि इस ग्रसिका के साथ ही हमारी श्वास नली भी होती है, इसीलिए हम भोजन जब आराम आराम से करते हैं तो भोजन सही तरह प्रकार से ग्रसिका में प्रवेश करता है। अगर खाना खाते वक्त कोई बात करे तो भोजन श्वास नली में भी प्रवेश कर सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक स्थिति हो सकती है। ग्रसिका में भोजन संकुचन गति द्वारा आगे बढ़ता है, संकुचन गति द्वारा आगे बढ़ता है, अर्थात ये जो ग्रसिका की नली है ये बार बार चौड़ी होती रहती है और भोजन नीचे की तरफ जाता रहता है। अब ग्रसिका से ही जुड़ा हुआ जो दूसरा भाग है हमारे पाचन तंत्र का, वो है अमाशय। अमाशय, अमाशय जो है सबसे बड़ा भाग है यहाँ का, और ये एक यू शेप आकार का होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl भी लिख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को नरम बनाता है और उसमें से जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। अमाशय का ये जो दूसरा सिरा आपको दिखाई दे रहा है, ये किससे जुड़ेगा आगे जाके, शूद्रांत्र से, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू।